आज हम इस वीडियो में सिंपल स्पेस बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ मैंने इवेंट्स लिख दिए हैं, उनमें सिंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है उन इवेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ये कॉइन टॉस वन टाइम, तो मैं बता चुका हूँ उसके प्रीवियस वीडियो में कि सिंपल स्पेस क्या होता है। जब कोई आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो टोटल रिजल्ट आता है, टोटल आउटकम्स आता है, अगर उनको हम कलेक्ट कर लें देन कॉल सैंपल स्पेस। तो यहाँ लिखा है ये कॉइन टॉस वन टाइम, तो एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड या टेल। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है उसको लिखते कैसे, तो एक ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहते हैं ब्रेसेस। क्या नाम देते हैं, ब्रेसेस। देखो ये, तो जितने भी आउटकम्स होंगे, एक आउटकम लिखेंगे फिर कॉमन आएंगे फिर दूसरा आउटकम लिखेंगे, इन्हीं में कैप्चर कर देंगे और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से नोट कर दें। तो आइए इसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका सैंपल स्पेस मैं लिख रहा हूँ, एस मीन्स सैंपल स्पेस, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ आपका। तो एस इसका जो लिखोगे भाई, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लिख दिया। अब आज दूसरे इवेंट की बात करते हैं, मैं लिखा ये कॉइन टॉस टू टाइम्स, तो यहाँ एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया, इसका मतलब क्या, ये एक कॉइन है ये एक बार टॉस किया, तो टोटल क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो गई। फिर कॉइन को टॉस किया तो फिर क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। अब ये दोनों चीज़ों को भाई साफ हम कर रहे हैं, साफ लिखेंगे, मतलब एक बार करेंगे, हेड आया तो हेड रखेंगे, टेल आया टेल रखेंगे दोबारा, तो टू टू जा कितना आ गया, फोर आ गया। यहाँ देखिए, तो इसका मतलब एक कॉइन टॉस टू टाइम्स का मतलब दो कॉइन, टू कॉइन टॉस वन टाइम, याद रहे ग्रामर लेकिन मत चलेगा, ये है मैथ्स। तो मैथ्स में कहा जाए ये कॉइन टॉस टू टाइम या टू कॉइन टॉस वन टाइम टुगेदर, तो जब एक साथ चीजें होती हैं तो उनको टोटल पॉसिबिलिटीज लिख करके मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना आना चाहिए, फोर। अब वो फोर कौन होंगे, एस मैन ने कहा। तो पहला आपने कॉइन टॉस किया, सपोज कर लो हेड आ गया, और फिर दोबारा कॉइन टॉस किया तो क्या आया, हेड फिर आ गया, एक तो ये बन गया। फिर हेड आया लेकिन दूसरा कॉइन क्या आ गया, टॉस आ गया। अब ये भी हो सकता है कि पहला कॉइन टेल आ गया, दूसरा कॉइन क्या आ गया, हेड आ गया, या ये भी हो सकता है दोनों कॉइन टेल आ गया। तो ये सारे हो गए। फिर ये कहा गया एक कॉइन टॉस थ्री टाइम, इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता था थ्री कॉइन टॉस वन टाइम टूगेदर, ये साइमल्टेनियसली, तो तीन कॉइन को एक साथ किया जाएगा। तो देखो एक कॉइन यहाँ किया गया, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, दो। फिर दूसरा कॉइन किया गया, दो। एक और कॉइन एक बार और किया गया, फिर दो। अब एक साथ किया जा रहा है, लिखा नहीं है कि एक साथ किया जा रहा है, एक साथ किया जाता है, टुगेदर होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग खुद से करनी पड़ेगी कि हाँ इन तीनों इवेंट को एक साथ लिखेंगे। तो टू टू जा फोर टू जा कितना आता है, एट। बहुत से लड़के सिक्स लिख देते हैं, नहीं वो गलत है, ऐसे लिखोगे, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो कैसे लिखोगे, सपोज करो कि पहले एक बार किया हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, तीनों टाइम्स हेड आ गया, तो आपने ऐसे लिखा हेड हेड हेड। अब अगला लिखा, ऐसा हो सकता है कि दो बार हेड आया, पहला हेड आया फिर हेड आया फिर टेल आया, अब इसी को रिप्लेस करते हो, मतलब हो सकता है पहले बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ रहा है और तीसरी बार हेड आया, या ऐसा हो सकता है पहली बार टेल आ रहा है बाकी दो बार क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही बार हेड आया, ये कैसे लिखा था समझ में आ गया, इट हो जाएगा आगे, देखो इसी में मैं लिख दे रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो हेड आया बाकी अदर कितने आ गए दोनों, टेल टेल आ गए, या ऐसा हो सकता है कि पहला तुम्हारा टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के दोनों टेल आ रहे हैं और लास्ट का हेड आ रहा है, या हो सकता है सारे टेल आ रहे हैं ऐसे। तो काउंट करें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हो गया या आठ हो जाएगा, क्लियर। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं, देखो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों कुछ सेम लग रहे हैं, बस क्या चीज चेंज है, यहाँ एंड लिखा हुआ है और यहाँ ऑड। तो यहाँ का हो गया टॉस या कॉइन एंड थ्रो ये डाई, यानी एक कॉइन को टॉस किया गया और एक डाई को थ्रो किया गया, तो
तो एंड का मतलब होता है टूगेदर, मतलब दोनों साथ हो रहा है। तो भाई कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, हेड या टेल। और जब डाई को थ्रो करोगे तब कितना, सिक्स, तो वन टू सिक्स कुछ भी आ सकता है। एंड का मतलब मैंने कहा टूगेदर, तो टूगेदर जब होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी टोटल कितना आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा। तो आज और लिखते हैं कैसे लिखोगे। अब सपोज कर लो आपने कॉइन को टॉस किया हेड आ गया, तो हेड लिख दिया। अब डाई को थ्रो करोगे तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है। पहली बार हेड तो आ गया, लेकिन जब डाई को थ्रो किया तो वन से सिक्स कुछ भी आ सकता है। तो कैसे लिखोगे, देखो वन, फिर ऐसे टू, फिर ऐसे थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। अब ऐसा हो सकता था कि पहली बार क्या आ जाता, टेल आ जाता ऐसे, तब क्या इसको थ्रो करते, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यही ट्वेल्व हो गया। अब आ जाओ ये क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन बस और लगा। तो आर का मतलब होता है प्लस करना, जैसे यहाँ कहा गया टॉस ए कॉइन आर थ्रो ए डाई, मतलब एक कॉइन को टॉस करो तो टॉस जब किया तो क्या आएगा भाई, टोटल टू आएगा, और जब डाई को थ्रो किया तो सिक्स आया। लेकिन यहाँ बीच में क्या लिखा था, आर, आर का मतलब या तो ये करो या तो वो करो, तो यहाँ प्लस करते हैं तो सिक्स टू कितना आ गया, एट, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो यानी यहाँ दोनों इवेंट अलग अलग है। तो जब कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो इसके साथ मैंने डाइस को नहीं लिखा, आर वर्ड आए या एंड आए, थोड़ा सा वर्ड है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग। अब डाई को आप थ्रो करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि इस आर का मतलब था क्वाइन किया या डाई किया, मतलब अलग अलग हो, तो टोटल कितने हो गए, एट आ गए। अब एक और बात कर लें आपसे, जैसे कोई कह दे कि थ्रो टू क्वाइन, सॉरी थ्रो टू डाई एंड वन क्वाइन, जैसे मैंने ये लिखा है क्वेश्चन और, थ्रो टू डाई एंड वन क्वाइन, अगर ऐसा लिखा किसी ने तो टोटल सिंपल स्पेस क्या आएगा, नंबर बताना है आपको। तो कैसे करना, भाई ये डाई है, ये भी डाई है और ये क्वाइन, ये डाई है, ये भी डाई है, ये क्वाइन, थ्रो ए डाई एंड, बीच में लिखा एंड, इसका सिंबल है ये एंड का है, तो इसका मतलब एक साफ हो रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, सिक्स, ये भी सिक्स और ये टोटल टू, तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो सिक्स सिक्स कितना हो गया, थर्टी सिक्स, और टू कितना, थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू आ गया। अब यही क्वेश्चन लिखा होता थ्रो टू डाइस आर, ओ आर आ जाता, यहाँ बीच में क्या आ जाता, और आ जाता, होता थ्रो टू डाइस आर वन वन, तब ऐसे लिखते क्वाइन के लिए सिक्स हो गए, डाइस के लिए फिर इसके लिए भी सिक्स हो गए, लेकिन यहाँ थ्रो टू डाइस कहा गया था ना, तो दोनों तो साफ हो गए, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ लिखा होता वन क्वाइन, तो क्वाइन के लिए जब आप लिखते हैं यहाँ तो टू होता प्लस कर देते, तो कितना आता थर्टी सिक्स प्लस टू कितना हो जाता थर्टी एट। तो उम्मीद है कि आपको आर एंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, ओके।